बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, जंतुओं का शारीरिक संगठन। इसके अंतर्गत पढ़ा था हम लोगों ने टिशू के बारे में कि जंतुओं के शरीर में कौन कौन से ऊतक होते हैं, टिशू होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है। और इसके पश्चात एनिमल्स में तीन एनिमल्स इसमें पढ़ने थे, नंबर वन अर्थवॉर्म या फेरेटिमा पोस्टमा, इसका वैज्ञानिक नाम होता है काकरोच, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो अर्थवॉर्म में भी उसकी मॉर्फोलॉजी, शारीरिक संरचना, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद काकरोच का आकार की मॉर्फोलॉजी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टर्म पर, अर्थवॉर्म और काकरोच के सभी सिस्टम। अब इसके बाद इस चैप्टर में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जंतुओं का शारीरिक संगठन के अंतर्गत, इसमें अगला एनिमल है फ्रॉग। बस ये लास्ट है, तीन एनिमल पढ़ने थे। तो अर्थवॉर्म और काकरोच, ये दोनों एनिमल कैसे थे, इनवर्टिब्रेट के एनिमल थे, इनवर्टिब्रेट। और अगला जो है ये वर्टिब्रेट एनिमल है, ये वर्टिब्रेट एनिमल है। और वर्टिब्रेट में क्या होता है, वर्टिब्रेट की क्या विशेषता होती है कि इनमें बैकबोन होती है, वर्टिब्री कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसे बैकबोन कहते हैं, तो ये रीढ़ की हड्डी या बैकबोन होती है, तो इसकी ये विशेषता होती है। तो इसमें अगला जो एनिमल है लास्ट में पढ़ना है उसके बारे में, तो ये आता है फ्रॉग या मेढक, इसको हिंदी में मेढक कहते हैं, इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग एम्फीबिया वर्ग का या क्लास का एनिमल है। इसका फाइलम जो होता है फ्रॉग का, वो कॉर्डेटा होता है, और इसका वर्ग या क्लास जो होती है वो एम्फीबिया होती है। एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब कि इसको हिंदी में कहते हैं उभयचर, एम्फीबिया या उभयचर। उभयचर मतलब कि जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं उसको हम उभयचर कहते हैं, जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं इसको हम उभयचर कहते हैं। फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना, इसका वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। प्रत्येक जंतुओं का नाम या पौधे का नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्रथम शब्द होता है इसका वंश या जीनस, और दूसरा शब्द होता है जाति या स्पीसीज। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस, वैसे इसका नाम होता है राना टिग्रीना, फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम। तो नाम आपको याद रखना है वैज्ञानिक। तो ये एम्फीबिया जो फ्रॉग होता है, तो फ्रॉग आप लोगों ने देखा होगा शायद, तो फ्रॉग में इसका स्ट्रक्चर, फ्रॉग कैसा होता है, जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, पानी में भी। तो पानी और थल में रहने के लिए इसमें एक्वेटिक और टेस्ट्रियल, जल और थल दोनों में रहने के लिए शरीर पूरी तरीके से अनुकूलित होता है फ्रॉग का। फ्रॉग एक असमतापी जंतु है, असमतापी या कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। फ्रॉग कैसा है, एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है या असमतापी जंतु है, असमतापी या कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, जिनके शरीर का ताप वायुमंडल के ताप के अनुसार घटता बढ़ता है। जैसे सर्दियों में इनके शरीर का ताप कम हो जाता है, और गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इनके शरीर का ताप सर्दियों में कम हो जाता है, वायुमंडल का कम होता है तो इनका भी कम हो जाता है, गर्मियों में अधिक होता है तो इसका भी अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार सर्दियों और गर्मियों में ताप इसका बढ़ता रहता है, इसको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। जैसे हम लोगों का शरीर का ताप हमेशा स्थिर रहता है, घटता बढ़ता नहीं, तो हम लोग समतापी हैं, और ये असमतापी, जिनके शरीर का ताप वायुमंडल के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, तो वो जंतु कैसे कहलाते हैं, असमतापी कहलाते हैं। तो ये
कोल्ड ब्लडेड या असमतापी जंतु होते हैं, इनको साइंटिफिक लैंग्वेज में पॉइकिलोथर्म्स कहते हैं, पॉइकिलोथर्म्स इनको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है, जो असमतापी होते हैं, जिनके शरीर का ताप वायुमंडल के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। और तो ये जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो जमीन के अंदर, गीली मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर धस जाते हैं और वहीं निष्क्रिय पड़े रहते हैं। इसे हम शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन कहते हैं। सर्दियों में ये जब इनके शरीर का ताप कम हो गया, बहुत कम हो गया, तो ये जिंदा कैसे रह सकते हैं? इनमें फेफड़े की गति, हृदय की गति सामान्य रूप से चलती रहनी चाहिए, जब चलेगी तभी ये जीवित रहेंगे। तो इस प्रकार से सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती तो ये जमीन के अंदर गीली मिट्टी में धस जाते हैं और वहीं अंदर सुरक्षित पड़े रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या है, ऊष्मा की कुचालक है, तो वायुमंडल के ताप का असर जमीन के अंदर नहीं होता है। तो ये कैसा होता है, सर्दियों में निष्क्रिय पड़े रहते हैं, इसे हम शीत निष्क्रियता कहते हैं या हाइबरनेशन कहते हैं, या इसे विंटर स्लीप कह सकते हैं। विंटर स्लीप शीत निष्क्रिय, सर्दियों में सोते रहते, चुपचाप पड़े रहते हैं, और इनकी जो सारी गतिविधियां होती शरीर की वो बहुत धीमी पड़ी रहती, बहुत धीमे चलती रहती, मरते नहीं है लेकिन बहुत धीमे धीमे चलती रहती। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो उससे बचने के लिए भी ये जमीन के अंदर चले जाते हैं, जमीन के अंदर गीली गीली मिट्टी में धस जाते हैं। तो इसको समर स्लीप कहते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं, या इसको एस्टिवेशन कहते हैं। तो सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए, गर्मियों में अधिक गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर धस जाते हैं और वहीं सुरक्षित निष्क्रिय पड़े रहते हैं। और किस सीजन में दिखाई पड़ते हैं, केवल बारिश के सीजन, कि बारिश के सीजन में पानी जब बरसता है तो ये टेम्परेचर सामान्य रहता है, हर जगह इनको पानी अवेलेबल रहता है, तो टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, तो ये हर जगह दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए और गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए इनमें निष्क्रियता होती है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, या इसको हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। शीत निष्क्रियता को हाइबरनेशन कहते हैं और ग्रीष्म निष्क्रियता को एस्टिवेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इनमें निष्क्रियता पाई जाती है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, असमतापी होते हैं, असमतापी जिनके शरीर का ताप वायुमंडल के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। और इनका शरीर कैसा होता है, नाव का आकार होता है, नाव के आकार का होता है, जिससे पानी को चीरने में, पानी में तैरने में आसानी होती है। इनके चार पैर होते हैं, दो आगे दो पीछे, जो आगे पैर होते हैं उनमें चार चार उंगलियां होती हैं, जो पीछे पैर होते हैं उनमें पांच पांच उंगलियां होती हैं। आगे वाले पैरों में चार उंगली, पीछे वाले पैरों में पांच उंगली। आगे वाले पैर मेंढक के छोटे होते हैं और पीछे वाले पैर बड़े होते हैं, आगे छोटे पीछे बड़े, तो पीछे वाले पैर से जंप लगाते हैं और आगे वाले पैरों से उसको अपने बॉडी को बैलेंस करते हैं। और इसके पश्चात जो आगे वाले पैर होते हैं उनमें चार उंगलियां होती हैं, उनके उंगलियों के बीच में जाल नहीं होता है, जबकि पीछे वाले जो पांच पैर होते हैं उनमें पांच उंगलियां होती हैं, उनके उंगलियों के बीच में जाल होता है, यहाँ उंगलियों के बीच में जाल होता है, और इस जाल की सहायता से वो पानी में तैरते हैं। तो मेंढक में चार पैर होते हैं, दो आगे पैर होते हैं, दो पीछे। आगे वाले से क्या होता है, उसमें चार उंगली होती है, पीछे वाले में पांच उंगली होती है, जो आगे वाले में चार उंगली होती है उनके बीच में जाल नहीं होता, पीछे वाले पांच उंगलियों के बीच में जाल होता है, जिससे वो आसानी से पानी में तैरते हैं। और इसके पश्चात क्या विशेषता होती है इनकी, कि इनकी आंखों के ऊपर, जैसे हम लोग आंखें में पानी में सर डुबोए तो आंखें नहीं खुल सकती, क्योंकि लेकिन मेंढक पानी के अंदर रहते हैं और पानी में तैरते भी हैं, पानी में रहते भी हैं, तो इनके ऊपर आंखों के ऊपर, आंखों की पलक के ऊपर एक झिल्ली होती है, जिसे निटेटिंग मेम्ब्रेन या निमेशक पटल कहते हैं, निटेटिंग मेम्ब्रेन या निमेशक पटल कहा जाता है।
तो ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या निमेशक पटल होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या निमेशक पटल का क्या काम होता है? निमेशक पटल या निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इनको आंखों को पानी से सुरक्षित रखती है। पानी में आंख आसानी से आंखें ये खोले रखते हैं और तैरते रहते हैं। ऐसे मछलियों में भी होता है और फ्रॉग में भी इसी तरह से व्यवस्था होती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के कारण ये पानी में आसानी से तैरते हैं और इनकी त्वचा के ऊपर म्यूकस की लेयर होती है जिसकी सहायता से ये पानी का प्रभाव इनकी त्वचा पर नहीं पड़ता है। म्यूकस की लेयर इनकी त्वचा को सुरक्षित रखती है। इनमें मेंढक में गर्दन नहीं होती, गर्दन का अभाव होता है और इनके टॉप पर सिर के दोनों तरफ आंखें लगी होती हैं, तो आंखों को घुमा करके ये चारों तरफ देख लेते हैं। और आंखों के ठीक पीछे निमेशक वो कर्णपटल झिल्ली होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिससे ये सुनने का काम करते हैं। और आगे नो नास्ट्रिल होते हैं, नोज और माउथ होता है। तो इस प्रकार से इसकी बाहरी संरचना होती है। मेंढक मोस्टली हरे रंग के होते हैं, कहीं कहीं डिफरेंट कलर के होते हैं, क्योंकि ये अपने त्वचा का रंग बाहर के वातावरण के अनुसार अपना बदल लेते हैं। तो ये रंग बदलने की जो प्रक्रिया है ये भी मेंढक में पाई जाती है, जैसे गिरगिट में पाई जाती है। तो मेंढक या फ्रॉग जो होता है अपनी बॉडी का कलर आउटर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। तो इस प्रकार से मेंढक में ये बाहर आकार की कैसी होती है वो मैंने हम लोग डिस्कस कर ली। और नेक्स्ट टर्म पर इसके अंदर की जो प्रक्रिया होती है, अंदर की जो संरचना होती है, उसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।